रैंकिंग में खगड़िया को देश भर में दूसरा स्थान मिला है। बिहार से केवल खगड़िया ही ऐसा जिला है जिसे टॉप 5 रैंकिंग में जगह मिली है। देखिए खगड़िया से शशि भूषण महतो की ये रिपोर्ट। खगड़िया बिहार के उन जिलों में शामिल है जहां हर साल 4 से 5 महीने लोग बाढ़ की त्रासदी झेलते हैं। यहां से गंगा, कोसी, बागमती और गंडक समेत 5 बड़ी नदियां गुजरती हैं जिसके कारण बाढ़ से काफ़ी तबाही होती है। ऐसे में ढांचागत विकास बहुत मुश्किल है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने इसे आकांक्षी जिलों में शामिल किया है। अब यहां विकास का काम तेज़ी से हो रहा है। जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष बताते हैं कि कभी डेल्टा रैंकिंग में 105वां स्थान रखने वाला जिला अब कभी पहले तो कभी दूसरे स्थान पर रहता है। यहां विकास के सभी संकेतकों पर गंभीरता से काम किया जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ में जो हम लोगों ने इनिशिएटिव लिए लास्ट महीने और लास्ट के लास्ट मंथ में, उसका प्रभाव इस बार देखने को मिला है। जो डेल्टा रैंकिंग आई है उसमें अच्छी उपलब्धि दोनों ही क्षेत्रों में दिख रही है। शिक्षा में हम लोग अब अगला टारगेट हम लोग का शिक्षा है, तो जो बाकी चीजें कर रहे हैं उसके साथ साथ अब शिक्षा पे भी हम लोग का फोकस रहेगा। स्वास्थ्य के मामले में भी जिले ने काफी बेहतर प्रदर्शन किया है। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण हो या फिर टीकाकरण, हर मामले में अब खगड़िया बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। सिविल सर्जन अमरनाथ झा ने बताया कि आकांक्षी जिला होने के कारण खगड़िया में स्वास्थ्य सेवाओं में मूलभूत बदलाव आया है। आकांक्षी जिला के तहत जो हमारी आधी आबादी है जिसमें से 60% महिला एनीमिक होती है, उसका प्रसव पूर्व 4 जांच होता है ANC और उसका इलाज, इसके अलावा बच्चों का टीकाकरण, बच्चों का विकास ठीक से हो रहा है कि नहीं, उसको पौष्टिक आहार दिया जा रहा है कि नहीं। जिले के उप विकास आयुक्त संतोष कुमार बताते हैं कि खगड़िया जिले को इस साल प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7,929 आवासों के निर्माण का लक्ष्य मिला था जिसमें से 7,482 आवासों को मंजूरी दे दी गई है। साथ ही अब मनरेगा को भी इससे जोड़ दिया गया है। खगड़िया जिले में 7,929 का लक्ष्य प्राप्त हुआ था जिसके विरुद्ध 7,482 को स्वीकृति दी जा चुकी है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से जो गृहविहीन लोग हैं उनके लिए है, गरीब लोगों के लिए है और उन्हें कोई लाभ दिया जाता है। कितना राशि मिलता है इस योजना के तहत? राशि इसमें 3 किस्तों में मिलता है, 1,20,000 रुपये, 40-40-40 दिन किस्त और मनरेगा से भी इसमें 90 दिनों का मैंडेट दिया जाता है। बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित होने वाले जिले खगड़िया में अब विकास की बयार बह रही है। खगड़िया से शशि भूषण महतो की रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, पटना।